लंबी लम्बी है लंबी मेहनत है किरदार निभाना भी और किरदार जीना भी और पूरी कोशिश है इस बार के हम पिछली बार की तरह भी इस बार अच्छा है और पसंद आए लोगों को और yeah. लोग उसी तरह से सराहएँ उसको जिस तरह से सराहते आए हैं पुराने किरदार थोड़ी यू नो you know, होता है क्या एक किरदार निभाते निभाते आपको बहुत चीज़ सीखनी पड़ती हैं क्योंकि आप वो किरदार को अपने अंदर जज्ब करना है या उस ख़ुद को उस किरदार में जज्ब करना है तो फिर आई थिंक थोड़ा गुजराती सीखना तुम्हारे लिए और थोड़ा yes. उस कैरेक्टर में यू नो क्लमजी होना वो गिरना पड़ना उसका आई थिंक शी इज़ ब्रिलियंटली एज फार एज आई कैन सी और uh, मेरा कैरेक्टर uh, थोड़ा सा uh, मैंने इससे सिमिलर कैरेक्टर्स करे हैं ज़रूर एक ब्रूडिंग सा कम बोलने वाला ग़ुस्से वाला और कम मुस्कुराने वाला बहुत पेन लिए घूमने वाला आई थिंक ये तो मैं ही हूँ <laughs> मेरे लिए थोड़ा ईजी है <laughs> आई एम वेरी प्राउड एंड आम वेरी एक्साइटेड जब मुझे ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला आई कूडेंट बिलीव कि ये हम टी वी सीरियल में कर hmm, रहे हैं एंड आई ऑल्सो asked दिस क्वेश्चन अगेन कि हम टी वी सीरियल बना रहे हैं तो जब मुझे पता चला कि मेरा प्रोटैगनेस जो है वो स्पाई बनने वाली है सो आई वॉज़ सोल्ड एट दैट ओनली मैं उसी में कन्विंस हो चुकी थी और बाद में जब मैंने सीजल का कैरेक्टर जाना जैसी सीरियल है चुलबुली सी चपट चपट करने वाली इतनी क्लमजी गिरती पड़ती रहती है चश्मा तोड़ देती है डर जाती है वल्ल है इमोशनल है और यू you नो know, एक बहुत ही स्मॉल टाउन से आती है वो कैसे पाई बनेगी जिस तरह का उसका कैरेक्टर लिखा है मेकर्स ने इट इज़ is... फेंटेस्टिकट इज़ मतलब वो खुद मुझे सुन के ऐसा लगा था कि ये कैसे स्पाई बन सकती है मतलब ये क्या करेगी स्पाई बन के हर जगह रायता ही फैलाएगी सो दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट सेजल की कैसे उसके फ्लॉज ही उसको एक अच्छा स्पाई बनाएंगे मतलब वो इतनी ऑर्डिनरी उसके फ्लॉज उसको एक इतना आम इंसान सिंपल इंसान दिखाता है ना अनफिल्टर्ड इंसान दिखाता है कि किसी को उस पर शक नहीं जाएगा कि ये hmm. स्पाई मतलब नंदा उसको आपको तो, 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 तो बता ही तो यार हमारी जान है मेरी तो जान है एक्चुअली एंड आई बिलीव इन देम लॉट एंड आई थिंक उनकी दुआएं मेरे लिए काम आती हैं हमेशा आई थिंक इट्स वर्किंग फॉर मी टिल नाउ एंड जो भी मैं करता हूँ सम हाउ इवेंचुअली इट्स पीपल हु लव यू एंड हु प्रे फॉर यू मैटर्स अलॉट एंड फैंस हैव डन दैट अलॉट फॉर मी आई एम थैंकफुल टू दैम एंड अभी मेरा बर्थडे गया है तो देव सेंड सो मैनी गिफ्ट सो मच स्टफ टू मी एंड आई एम ओ वेम समटाइम्स आई आई फील अपसेट अबाउट इट के ये बच्चे स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं उनकी पॉकेट मनी से वो कहाँ से कह मतलब दे नॉट अर्निंग एट आम श्योर इवन इफ दे आर अर्निंग दे स्पेंडिंग सो मच एंड ओवेलमिंग oh well, लगता है उनका प्यार देख के मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत रिस्पांसिबिलिटी है मेरे ऊपर कि इतना सारा प्यार मैं कैसे संभाल पाऊंगा कैसे वापस दे पाऊँगा बट ऑल आई वॉन्ट टू से इज थैंक यू फॉर बींग देयर यू नो थैंक यू फॉर बींग देयर एंड स्टे विद मी एंड डो नॉट जज मी फॉर एनी थिंग बिकॉज आई डोंट डू देट आयतर एंड आई डोंट वॉन्ट एनी बडी टू जज एनी वन फॉर एनी थिंग काम है एज एन एक्टर मैं काम कर रहा हूँ आप मेरा काम देखिए बताइए आपको अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा तो वो भी बताइए मैं उस पर वर्क करूंगा बट डो नॉट question it otherwise. आई वुड लव टू से थैंक यू टू एवरी वन आई थिंक आई एम वेयर आई एम बिकॉज ऑफ माई फैंस जितना आप लोगों ने मुझे अप्रिसिएशन दिया है जितना आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया है काफ़ी बार आई नो मुझे काफ़ी कम्प्लेन आती है मेरे फ़ैन्स भी मुझे ये मैसेज करते हैं और मेरे आस पास के सभी लोगों को मैसेज करते हैं कि ये एक्टिव क्यों नहीं है ये कोई पोस्ट क्यों नहीं डालती ये ऐसी क्यों है वैसी क्यों है बिकॉज दैट आई थिंक दैट इज़ हाउ आई एम एज़ अ काइंड ऑफ पर्सन बट इतना होने के बाद भी उसे पर्सनली नहीं लेना और फिर भी मुझे प्यार करना फिर भी मुझे सपोर्ट देना जब जब भी मैं आऊँ जब भी मैं कोई पोस्ट करूँ मुझे इतना सारा प्यार देना कि अच्छा चलो फाइनली यू पोस्टेड दैट इज़ मुझे सरप्राइज कर देता है कि कभी कभी कितने लोग हैं जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ और उनका उनकी तरफ से जब इतना प्यार आता है ना इट्स अ प्राउड फीलिंग इट मेक्स मी फील लाइक कुछ तो अच्छा कर रही हूँ मैं एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से जितना प्यार आप मुझे और साहबान को देते आए हैं उससे दुगना प्यार की ज़रूरत है अभी हमें शो के लिए और बहुत ही दिल से हमने ये शो बनाया है आपके लिए एंड हम तो पूरी जी जान लगा रहे हैं कि आपको ये शो पसंद आए वी वुड अप्रीशियट फीडबैक्स एंड वी वुड रियली 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 बी वेरी हैप्पी अगर आपको भी ये शो उतना ही पसंद आए जितना हमें ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम एवरी थिंग कितने भी शो आगे करूँ कितने भी शो नहीं करूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ देर इज अ लव अनकंडीशनल लव फॉर यू गाइज एंड आई होप इट्स द सेम कमिंग फ्रॉम यू ना कोई जिंदगी है बस चल पड़ा थैंक यू सो मच बट थैंक यू सो मच लॉस ऑफ लव बाकी तो अपना इंस्टाग्राम है ही